आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के डीडीआर हाट गाँव से आप सभी को हर टाइम देखकर के मंदिर के दर्शन कराऊंगी। वहाँ का पूजा पाठ अर्चना कैसे होती है, वहाँ फर्स्ट नवरात्रि में कैसे हम लोगों ने वहाँ पर पूजा अर्चना की सभी ग्रामवासियों ने मिलकर। यहाँ पे नवरात्रि में बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, यहाँ 9 दिन तक के दिन में और रात को बहुत बढ़िया भजन होते हैं, बहुत सुंदर भजन होते हैं। यहाँ पे माता का आह्वान होता है, बहुत सारे ग्रामवासी मिलकर यहाँ पे बहुत बढ़िया पे जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग, धुनी लगी हुई है, उसी धुनी मिला के यहाँ पे रात भर पूजा अर्चना भजन कीर्तन कर, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी धुनी हर समय लगी हुई है और यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ सारे ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं। और देखिए कितना सुंदर, कितने सुंदर घंटियों की ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मंदिर में यही खास चीज़ होती है जो हमें ये घंटियों की ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई जाती है, संत की आवाज़ सुनाई देती है, वो हमारे दिल को बहुत ही शांत करती है। देखिए बहुत कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और सारे ग्रामवासी एकत्रित होकर हर संत देवता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे सभी ग्रामवासी अपने सीभाग लेके, यानी अपना अपने घर से चरावा लेके आए हैं और यहाँ पे सभी लोग मेरे मायके के इसकी देवता यानी हरसेन देवता की यहाँ बहुत बड़ी खास बात है कि यहाँ पे जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे आता है, यहाँ पे उनके दर्शन करता है और यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करता है, वो सब उन सभी की मनोकामना हरसेन देवता जरूर पूरी करते हैं। तो आप लोग एक बार रोज चाहे हाट गाँव और हरसेन देवता की पूजा करें। जय हरसेन देवता की जय। पूजा अर्चना करने के बाद सभी गांव वाले यहां पे खाना बनाते हैं और प्रसादी के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। बोलो जय हरसेम देवता की जय।